दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रानी पद्मिनी का महल, और ये उनका महल है जहाँ पे कि वो रहा करती थी। यहाँ रानी पद्मिनी को दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को, रानी पद्मावती को इसी जगह पे दिखाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे 1303 में आक्रमण किया था। उस टाइम के अंदर में ये महल पानी में बना हुआ था, इसलिए क्योंकि उस जमाने के अंदर में एसी कूलर वगैरह यूज नहीं होती थी, फंका कूलर वगैरह नहीं था, तो रानी को कहाँ रखे ऐसी गर्मी में, इसलिए उसके लिए पानी में बनाया, जिसका नाम रखा समर पैलेस। इस महल का नाम है समर पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसको पद्मिनी के नाम से तो उसके नाम से जाना जाता है। और सामने उधर देखिए गोरा और बादल के महल, जो उनके सेनापति थे उनके महल बने हुए। गोरा बादल उनके सेनापति थे और दोनों देश के अंदर आ गए थे, दोनों भाई थे, चाचा भतीजे, जो दोनों चाचा भतीजे थे। हाँ, जो दोनों देश में आ गए थे उसी टाइम के अंदर उन्होंने यह सेनापति का रूप धारण किया। वो सेनापति के दोनों का महल है गोरा और बादल का। उनका भाई था क्या? चाचा भतीजे थे, उनका अपना चाचा का बेटा था। हाँ, चाचा और भतीजा दोनों, चाचा भतीजा था, दोनों देश में आ गए थे रानी पद्मिनी की सुरक्षा के लिए। अच्छा, उनकी सुरक्षा के लिए। तो आप देख सकते वो गोरा रहते थे और वो बादल, यानी कि उनके चाचा और भतीजा वहाँ, तो उनकी सुरक्षा के लिए। अब आप महल की तरफ प्रवेश करो। अच्छा, ये जो सरोवर, इसमें जो तालाब है, तो यहाँ पे इसमें पूरा उसमें पानी भरा रहता होगा ना? इसमें उस जमाने के अंदर में रानी पद्मिनी के लिए पानी के अंदर महल इसलिए बनाया जिससे ठंडा रहे। तो ये पद्मिनी केवल 8 महीने केवल यहाँ गर्मी के यहाँ रहती थी, बाकी और रतन सिंह महल बना हुआ ना वहाँ रहती थी। अच्छा, वहाँ पे अभी चलेंगे, रतन सिंह उनका हस्बैंड का पैलेस। और ये गार्डन है जिसमें रानी पद्मिनी घूमने के लिए आया करती थी। आर्कियोलॉजी को अभी गार्डन डेवलप कर दिया, पहले के टाइम में दासियों के कमरे वगैरह से टूट गए। अच्छा अच्छा, तो अभी चलूंगा अंदर। ये हमारे सामने है ये गार्डन जहाँ पे की रानी पद्मिनी आती थी, यहाँ पे घूमती थी, और चलूंगा अभी अंदर की ओर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रानी पद्मावती का ये महल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पद्मिनी महल किले मुख्य भवनों में से एक है। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सुंदर, परिशुद्ध, चतुर एवं पराक्रमी थी। यह महल पद्मावती तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है। तालाब के मध्य में महराब युक्त प्रवेश द्वार के साथ 3 मंजिला भवन, जिसे जल महल कहा जाता है। जल के मुख्य द्वार पश्चिमी और है, जिसका आंगन छोटे कमरों के एक सीधी पंक्तियों से घिरा हुआ है। दोस्तों चलूंगा अभी अंदर की ओर हम। तो ये गार्डन है, अभी इसको इसी में रानी पद्मावती इसमें आती थी। और अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखने के लिए आया था। वो मेहमान के रूप में आए थे यहां पे चित्तौड़गढ़, रतन सिंह से मिलने के लिए। लेकिन उसका मकसद था कि हमें रानी पद्मावती को यहाँ से लेकर जाना है और उनके साथ जो है विवाह करना है। हालांकि दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं हो पाया। इसी स्थान पर जो हम यहाँ पर देख खड़ा हूँ, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी उस समय रानियों को जो है रानी पद्मावती वो वहाँ पे खड़ा थी, उस स्थान पे थी। और उसका ठीक यहाँ पे एक कांच लगा हुआ है, यहाँ पे पहले शीशा था, एक शीशा यहाँ, एक शीशा यहाँ और एक शीशा यहाँ, एक शीशा यहाँ भी, तो टूट गया है। तो वहाँ पर वहाँ से रानी पद्मावती का जो है तस्वीर जल में पड़ता, जल से जो है होकर यहाँ पर आता कांच पे, और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी देखता है और वो अत्यंत उसके साथ मतलब कि देख करके जो है मोहित हो जाता है। और उसके बाद जो है वो राणा रतन सिंह के साथ बहुत भयानक युद्ध होता है और रतन सिंह को छल से मार दिया जाता है। तो फिर जाकर रानी पद्मावती और उसके साथ 16,000 रानियां जौहर कर लेती है। जौहर क्यों करती है? इसलिए जौहर करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके साथ अगर जौहर वो होता है जिसमें जलती हुई आग में वो कूद जाती है, उसमें वीरांगनाएं कर लेती है, वीर गति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए दोस्तों जौहर करती है, क्योंकि जो मुगल था वो बहुत क्रूर शासक होता था और उसके साथ गलत व्यवहार करता था स्त्रियों के साथ। इसलिए वो अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादाओं की रक्षा के लिए वो जो है जलते हुए आग में कूद जाता था।
तो आपने देखे कि हम यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी आया था और राणा रतन सिंह को मार दिया गया। ये अभी ये देख रहे हैं, ये गार्डन है, बगीचा है, जिसमें कि रानी पद्मावती यहाँ पे टहलती थी सुबह को शाम को। और रानी पद्मावती बड़ा ही बहुत ही साहसी, निडर और एक वीर स्त्री थी। गाइस आप देख सकते हैं कि ये पूरा इधर अभी इसमें पानी कम है, भी गर्मी का मौसम है, बरसात के समय ये पूरा पानी से भरा होता है। और इधर उस तरफ पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये महल है रानी पद्मावती का। दोस्तों यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पर यहाँ हम आए थे, अभी गार्डन में हूँ। और ये गेट देख सकते हो कितना मजबूती से बना हुआ है, मोटा। अभी ये इस ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये 500 साल से अधिक हो चुका है इसका, और ये गेट का भी 500 साल हो चुका होगा, इससे अधिक हो चुका है, लेकिन कितना ही मजबूत है। अभी देख सकते हो इसका सिक्कड़ देख सकते हो, कितना उसमें गेट लगता होगा। और अभी का दरवाजा जब बनता तो 50 साल भी नहीं चलता, टूट उसको खराब हो जाता है। बाहर से देखो तो इस प्रकार का है गेट लगता था इसमें। और इधर भी है तालाब है, ये रानी पद्मावती का ही इसको महल है। यहाँ पे पूरा पत्थर है, ये सब जो पत्थर जो साटा गया था ये चूना से साटा गया था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे। और इधर है माँ काली का मंदिर, यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे इसके ये जो देख रहे हो दो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये कमरा की तरह है। ये क्या है, ये इसमें रानी पद्मावती की जो दासियां थी यानी नौकर, उनकी जो सेवा करती थी, उनका जो सम्मान करती थी, उनकी जो स्वागत में रहती थी, तो वो यहीं पर रहती थी। वो इनकी जो शैया कक्ष है यहीं पर है। और यहाँ पे एक खिड़की बना हुआ है, यहाँ पर वो खिड़की है। यहाँ से देखो तो ये देख सकते हो, अभी का जो कमरा है, अभी का जो रूम बनता है वो अलग तरीके से बनता है, बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे वो सोती थी, यहाँ पे ये छोटा सा जगह है यहाँ पे। और इसका जो छत है वो अभी छत जो है काफी साल हो चुका है, 500 साल से अधिक हो चुका है, तो ये छत जो है टूट गया, खंडर हो चुका है। लेकिन अभी भी कितना ये मजबूती स्ट्रोंग इसका दीवार दे, कितना स्ट्रोंग इसका दीवार है। यहाँ पे भी एक रूम, दो रूम यहाँ है, दो रूम है यहाँ, तीन रूम, ये चार रूम। ये जो है यहाँ से जो यहाँ पे उन जब रानी पद्मावती जाती थी तो यहाँ से फूलों से उनकी स्वागत करती थी, यहाँ पर फूल रखते थे। ये सब जो पत्थर से बना हुआ है, इसमें जो है यहाँ पे ईंट से, गिट्टी से, बालू से नहीं बना हुआ है, सिर्फ पत्थर से बना। यहाँ आप ये जो स्थान है ये टॉयलेट रूम है, बाथरूम, जिसे यहाँ पे वो लेटरिंग बाथरूम करती थी उनकी दासियां लोग यहाँ पे। और उस समय का बाथरूम यही ऐसा ही होता था। यहाँ पर भी बाथरूम है, ये उस समय का बाथरूम हुआ करता था, अभी तो इसको ढककर प्लेन कर दिया गया है, लेकिन उस समय का बाथरूम काफी बड़ा हुआ करता था। अभी के समय से उस समय काफी बड़ा हुआ करता था, इसका लंबाई भी अधिक है, चौड़ाई भी अधिक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको 40 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, और 40 रुपए में आप पूरा किला घूम सकते हैं। यहाँ पर आप टिकट लेकर ही आइएगा, टिकट मिलता है गेट के सामने मिलता है, जहाँ से आप एंट्री करते हैं वहीं पर आपको टिकट मिल जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे बाहर का, ये इसका जो किले का बाहर, ये रानी पद्मावती के जो महल का बाहर का ये नज़ारा है, बहुत शानदार जबरदस्त है। तो दोस्तों हमारा ये आपको हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।